हेलो एवरीवन, तो स्वागत है मेरा चैनल बस मस्ती के लिए। मैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक पोएट्री, बहुत ही अच्छा पोएट्री है जो कि मेरे दोस्त ने लिखा है, उन्होंने ही बोला है। उनका नाम है पिंटू। तो आप देख ही खुद ही देख लीजिए कि पोएट्री कितना अच्छा है, कमेंट कीजिए कि कैसा है। तो शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है कि न पूछना मुझसे मेरे बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से सोचती है, क्या माइंडसेट है, यह कविता उन्हीं लोगों के बारे में। न पूछना मुझसे मेरे बारे में, क्योंकि एक तस्वीर तो तुमने मुझे देखते ही बना लिया होगा अपने दिल में मेरे बारे में। तो न पूछना मुझसे मेरे बारे में, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, जबकि तय तो कर ही लिया होगा तुमने मेरे बारे में। तो न पूछना मुझसे मेरे बारे में। तमन्ना जो अगर होती तुम में सच में मुझे जानने की, तमन्ना जो अगर होती तुम में सच में मुझे जानने की, तो तुम यूँ तस्वीर ना बना लेते मेरे सोच की। तो न पूछना मुझसे मेरे बारे में। चलो अब रहने भी दो, जब रावण बना ही दिया है तो मैं रावण ही सही। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि क्या होगी रावण की सोच सही? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि ये रावण कहाँ था कभी सही। अगर जो तुमने वक्त रहते मुझे समझा होता तो शायद तुम्हारे सामने आज ये रावण ना मौजूद होता। अगर जो वक्त रहते तुमने मुझे जानने की कोशिश करते तो आज मैं राम न सही लेकिन दोस्त तुम्हारा अच्छा होता। पूछना मुझसे मेरे बारे में। तो न पूछना मुझसे मेरे बारे में, आज मैं ये शब्द न दोहरा रहा होता। तुम्हारी बस सोच ही इतनी तलक है कि कांच के टुकड़े को भी हीरे के रूप में रखें तो तुम उसे हीरा बतला दोगे और असली हीरे को भी दुत्कार दोगे। फिर तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम किसी अच्छे भले इंसान को भी रावण बना दोगे फिर तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम अच्छे भले इंसान को भी रावण बना दोगे पॉज कर दे फिर नहीं मिल रहा मेरे तो फिर क्या ही हुआ तो फिर क्या ही हुआ अगर जो तुम बाद में डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का नारा लगाते फिरोगे। एक बार तुम मुझसे पूछ कर तो देखो, मैं खुली किताब की तरह पसंद हर तरीके से जुड़ जाऊंगा तुमसे, धीरे धीरे तुम्हारा एक दोस्त भी अच्छा बन जाऊंगा। तो मत करो यूँ जज मुझको, मुझ पर कोई हक नहीं तुम्हारा। किसी दिन एक तस्वीर तो तुम्हारी भी बनाई जाएगी और होगी तकलीफ तुमको भी, मत करो ये जज मुझको। फिर न कहना क्या कसूर था हमारा, न पूछना मुझसे मेरे बारे में।